महाराज की जय हो। कहो प्रधान, आज किसे बंदी बना लाए हो? महाराज, ये एक मछुआरा है, इसने मुद्रिका की चोरी की है, किंतु ये मुद्रिका इसने कहां से चुराई ये बता नहीं रहा है। इस बहुमूल्य मुद्रिका को ये बेचने का प्रयास कर रहा था, तो मैंने इसे पकड़ लिया। क्यों नागरिक, प्रधान जी सत्य कह रहे हैं? नहीं महाराज, नहीं, ये सत्य नहीं है, तनिक भी सत्य नहीं। मैं चोर नहीं हूं महाराज, मैं चोर नहीं हूं, मैं तो केवल एक मछुआरा हूं जो मछली पकड़कर उसे बेचकर अपना निर्वाह करता हूं महाराज। तो फिर इतनी बहुमूल्य मुद्रिका तुम्हें कहां से प्राप्त हुई? मछली के उदर से महाराज। मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कि ये मुद्रिका मैंने कहीं से चुराई नहीं, मछली का उदर काटने पर मुझे ये मुद्रिका प्राप्त हुई महाराज। मछली ने इसे निगल लिया होगा महाराज। हाँ प्रधान जी। जी महाराज। तनिक मुद्रिका तो दिखाइए। ये लीजिए महाराज। निर्दोष और गर्भवती शकुंतले को तिरस्कृत करने का महापाप हुआ है हमसे, महापाप हुआ है हमसे, महापाप हुआ है हमसे। सैनिकों, शीघ्र ही कण्व ऋषि आश्रम जाओ और शकुंतले को आदर पूर्वक यहां ले आओ। जी महाराज। महाराज, इसके लिए क्या आज्ञा है? यह निर्दोष है, इसने चोरी नहीं की, इसने तो हम पर उपकार किया है, इसने तो शकुंतले की स्मृति को लौटाने में हमारी सहायता की है। प्रधान जी। जी महाराज। इसे उचित पुरस्कार देकर सम्मान सहित विदा करो। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम महाराज। आइए आप मेरे साथ। प्रणाम। शकुंतले, नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, नारद का प्रणाम स्वीकार करें। नारद, वर्षों पश्चात तुम्हें कैलाश में देखकर हमें हर्ष भी हो रहा है और आश्चर्य भी। प्रभु, मैं तो आपके अनेक बार दर्शन करके लौट गया, परंतु आपकी ये दीर्घ समाधि समाप्ति नहीं होती, आज आपकी कृपा दृष्टि प्राप्त हुई है। तुम्हारे मन में उभर रहे प्रश्न को हम समझ रहे हैं नारद। तुम्हारे मन में मेनका और विश्वामित्र की पुत्री शकुंतला के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। हाँ प्रभु, शकुंतला को दुर्वासा के श्राप से मुक्ति कब प्राप्त होगी? शकुंतला के विरह व्यथा का शीघ्र ही अंत होगा नारद। उसका पुत्र कुमार अवस्था प्राप्त कर चुका है। अब जैसे ही हस्तिनापुर नरेश, दुष्यंत, देवसुर संग्राम से विजय होकर लौटेंगे, तभी शकुंतला के सौभाग्य का सूर्य उदित होगा। नारायण नारायण। हे भोलेनाथ, धन्य है आप और आपकी लीला धन्य है। Hey.
मदमन, नीचे उतरो। मानो हमारी बात सर्वदमन, मानो। ये हिंसक प्राणी है, नीचे आ जाओ सर्वदमन, मानो हमारी बात। इसके साथी सिंह आ गए तो आक्रमण कर देंगे आक्रमण। क्यों तुम दोनों इतना शांत रहे हो? मैं शांत हूँ और मेरा मंडा भी तो शांत खड़ा है। हिंसक प्राणी की शांति थोड़ी देर के लिए होती है। तुम इधर आ जाओ, आ जाओ इधर। नहीं, यहाँ वनराज पर बैठने में अधिक आनंद आ रहा है, पर तुम बाधा क्यों डाल रही हो? सर्वदमन, समझने का प्रयत्न करो। नहीं 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 नहीं। कौन है ये प्रतापी बालक? सर्वदमन है ये, देवी शकुंतला का पुत्र। हा? सर्वदमन, कहाँ हो पुत्र? माँ, कहाँ हो? माँ। मुझे क्षमा करो देवी शकुंतले, मैं अपनी भूल का प्रायश्चित आज तक कर रहा हूं। कहो शकुंतले, भी तुमने मुझे क्षमा किया? पुत्र, अपने पिताश्री को प्रणाम कर। प्रणाम पिताश्री। तुम्हारी परीक्षा अब समाप्त हुई शकुंतला। विधि के विधान के अनुसार तुम्हें ये कष्ट और वियोग तो भुगतना ही था। हमारा शाप तो निमित्त मात्र था। ये भी तो सत्य है महर्षि दुर्वासा, कि वियोग के कष्ट के पश्चात मिलन का आनंद कई गुना बढ़ जाता है। आज से तुम्हारा पुत्र सर्वदमन भरत के नाम से प्रसिद्ध होगा तथा ये आर्यव्रत का चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। आपका आशीर्वाद शिरोधार्य। कल्याण भव, आयुष्मान भव। चलो शकुंतले। महाराज दुष्यंत और शकुंतला का सुखद मिलन, उनके पुत्र को ऋषियों के आशीर्वाद, ये सारे प्रसंग उसी घटना चक्र के अंतर्गत प्रकट हुए जिसका नियंत्रण ब्रह्मा, विष्णु, महेश के हाथों में है। समय की गति के साथ अन्य अनेक घटनाएं घटी। जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु योग निद्रा में रहने के पश्चात भी शिव तथा ब्रह्मा के योगदान से इन सभी घटनाओं पर अपनी दृष्टि रखे हुए थे। ऐसे ही समय में विष्णु भक्त नारद समाचार व सूचना के आदान प्रदान हेतु विष्णु लोक में पधार दिए। नारायण नारायण। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को नारद का प्रणाम। आओ नारद, हम तुम्हारे विषय में ही विचार कर रहे थे। श्री हरि, मैं विचारणीय कब से हो गया? जब से इस जगत में नारद लीला विचरण करने लगी है। नारायण नारायण। श्री हरि, आप तो योग निद्रा में खोए थे, भला मेरे विषय में क्या विचार करते? माता, भगवान भोलेनाथ की भांति श्री हरि विष्णु भी योग निद्रा में खो जाने की प्रवृत्ति से जुड़ते जा रहे हैं। सृष्टि के पालन करता यदि इस प्रकार योग निद्रा में खोए रहेंगे तो फिर सृष्टि का संचालन कौन करेगा? कैसे होगा? सृष्टि के संचालन को क्या हुआ है? सब कुछ संतुलित और सुचारू रूप से चल ही रहा है। तुम स्वयं विचार करो और कहो, कितने दिनों से कोई समाचार क्यों नहीं लाए? समाचार कुछ था ही नहीं तो लाता कहां से? अर्थात तुम भी वही कह रहे हो जो हमने कहा है, कि सृष्टि का संचालन सुचारू रूप से चल रहा है। हाँ प्रभु, ऐसा ही कुछ है। देव, दानव, मानव सभी अपने अपने कार्य और कर्तव्य कर रहे हैं। यदि ऐसा है तो तुम्हारे कथन से समाचार बनता है और ये भी असत्य हो जाता है कि सर्वत्र शांति का साम्राज्य छाया हुआ है। नहीं समझा प्रभु, नहीं समझा। आपके सुदर्शन चक्र की भांति आपके सुशब्दों का चक्र मैं नहीं समझा। संकेत को समझने में यदि नारद असमर्थ हो गए
तो जगत में संकेत को समझने में कौन समर्थ होगा? क्या करूं भगवान, आपके सांकेतिक शब्द भी आपकी इस गदा की भांति भारी होते हैं। जब आप शंख ध्वनि में पुष्प जैसी कोमल भाषा बोलते हैं तो वो सीधे मूल केंद्र में पहुंच जाती है। नारद, आपकी दृष्टि हमारी चारों भुजाओं पर है, किंतु अब तक हमारे संकेत पर आपकी दृष्टि नहीं पहुंची है। आपने अभी अभी कहा कि देव, दानव, मानव सभी अपने अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, और इससे पूर्व आपने ये भी कहा कि समाचार कुछ भी नहीं है। दोनों बातें सत्य हैं। हो ही नहीं सकती नारद। देव और मानव अपने अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, तब तक तो जगत में शांति व्याप्त रहेगी, और ऐसे में समाचार कुछ बन ही नहीं सकता। किंतु हिंसा, अत्याचार, अनाचार, पापाचार के अपने कर्तव्यों का पालन यदि दानव कर रहे हैं तो जगत में शांति कैसे व्याप्त रहेगी नारद? नारायण नारायण, दानव अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, यही तो मैंने कहा था। नारद, फिर से सोचो और पहले ये सोचो कि दानव के कर्तव्य क्या है। नारायण नारायण, उनके कर्तव्य के विषय में किसे ज्ञात नहीं माता। अभी अभी तो श्रीहरि ने कहा है कि दूसरों पर अत्याचार करना, उनकी संपत्ति हरण करना, निर्दोषों को पीड़ित करना, यही कर्तव्य होते हैं इन दुष्ट असुरों के। और वो अपने ये सारे कर्तव्य पूरे कर रहे हैं। हाँ हाँ, डट कर कर रहे हैं। नहीं नहीं, पर नहीं नहीं, क्या कर तो रहे ही हैं। अर्थात जगत में शांति नहीं है। हाँ माता, आप ठीक कह रही हैं, शांति तो नहीं है। तो जब जगत में अशांति व्याप्त है, फिर तो पल पल में समाचार ही समाचार जन्म ले रहे होंगे। हाँ प्रभु, ऐसा ही होना चाहिए। तो फिर क्या समाचार है? नारायण नारायण, प्रभु आप सुदर्शन चक्र चलाते हैं ये तो संपूर्ण जगत जानता है, किंतु आप शब्द के चक्र भी चला लेते हैं ये मैंने आज जाना। आपने और माता लक्ष्मी ने मुझे घेर घेर के उसी प्रश्न के सम्मुख लाकर खड़ा कर दिया कि समाचार क्या है। बताओ क्या समाचार है? प्रभु प्रभु प्रभु, आप क्यों अन्याय कर रहे हैं मुझ पर? दानवों की ओर से कोई चर्चा सुनने में नहीं आई, लगता है वे किसी अज्ञात स्थान पर विश्राम कर रहे हैं। तो फिर खोज करो कि वे किस अज्ञात स्थान पर विश्राम कर रहे हैं। मैं खोज करूं उन दुष्टों की? प्रभु क्या आप मुझसे रुष्ट हैं? प्रभु, उन्हें खोजने के फेरे में कहीं उन्होंने मुझे खोज लिया तो मैं भोज बन जाऊंगा उन दुष्टों का। प्रभु, मुझसे कोई अपराध हो गया है क्या? आप क्यों मुझे इतना कठोर कार्य सौंप रहे हैं? प्रभु, वैसे भी आपको तो उनका वो अज्ञात स्थान ज्ञात है ही, फिर आप ही बता दे कि वो है कहाँ। नहीं नारद, तुम खोजो अथवा ना खोजो, हम तुम्हें नहीं बताएंगे। फिर कैसे ज्ञात होगा कि वे कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं? तुम्हें ये ज्ञात अवश्य होगा, कारण उनकी ये शांति क्षणिक है, वे उत्पात अवश्य करेंगे। समय की प्रतीक्षा करो।